गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपल आई के अलावा। आज हम क्या बात करने वाले, तो आज हम देखेंगे IIT BHU का पूरा रिव्यू। मैं सब कुछ बताऊंगा उसमें, मतलब उसके कॉलेज लाइफ के बारे में बात करेंगे, वहाँ के मतलब सीनियर्स कैसे हैं उनके बारे में बात करेंगे, वहाँ प्लेसमेंट कैसी है उसके बारे में बात करेंगे, और जो उस कॉलेज में मेरे जो दोस्त पढ़ता है जिससे मैंने साथ हम दोनों ने साथ में प्रिपरेशन करी थी, वो अभी IIT BHU में पढ़ता है। उससे सारी मतलब जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैंने सारी पूछ के निकाली है बहुत टाइम लगा के। तो आपको जो तमाम IIT BHU के बारे में बहुत कुछ जो तमाम जानने को मिलेगा। IIT है और टॉप 7 IIT में आता है, आपको पता ही होगा बहुत सा कुछ, लेकिन जो उसका इंटरनल जो बातें हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड, या फिर जो था बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉलेज में आके IIT में, वो क्या क्या अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलती है, वो सारी बातें मैं आपको करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारसी, और इसको अपन जो था हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो ये अगर एस्टैब्लिश्ड की बात करें तो ये 1919 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुराना ये कॉलेज है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो था हमारा ये लोकेटेड है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो अगर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देखें तो आपको 31 किलोमीटर जो था हमारा आपका डिस्टेंस है, मतलब एयरपोर्ट से 31 किलोमीटर। अगर हम रेलवे स्टेशन से बात करें, जो कि दो रेलवे स्टेशन इसके आस पास है, तो एक तो वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन जो था हमारा वो 10.5 किलोमीटर 10.5 किलोमीटर है। दूसरा जो था हमारा एफ्टीदीन दयाल उपाध्याय जंक्शन की बात करें तो 20 किलोमीटर जो था हमारा आप यहाँ से दूर है। आपको जो था कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कनेक्टिविटी जो था हमारा अच्छी है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको वहां से आने में घर से। तो अब जो अगर हम NIRF रैंकिंग की बात करें तो NIRF रैंकिंग जो था हमारा इसका, तो 2020 में जो था हमारा 11 था, और 2019 में भी जो था हमारा इसका NIRF रैंकिंग 11 है। और ये अगर NIT में मतलब सारे IIT में बात करें तो ये और मतलब अंडर 10 IIT में आता ही है, और ये बहुत अच्छा IIT आपको पता ही होगा। आगे हम बहुत सारे चीजों पे बात करेंगे, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे बात मतलब बातों पे बात करेंगे, तो आपको वहां से भी पता चलेगा। तो अगर NIRF रैंकिंग तो आपने देख लिया कि 2020 में जो था हमारा 11 थी, 2019 में भी जो था हमारा इसका 11 NIRF रैंकिंग है। अगर हम कोर्स ऑफर्ड की बात करें कि कौन कौन सा कोर्स ऑफर्ड करती है, तो इसमें बहुत सारे कोर्स ऑफर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा, जैसे कि सेरेमिक इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इतने सारे जो हमारा आपके ब्रांच हैं इसमें, इतने सारे कोर्स ऑफर्ड करते हैं ये IIT BHU। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो था हमारा आप देख सकते हो कि सेरेमिक इंजीनियर का अगर जनरल न्यूट्रल के देखें तो क्लोज जो था हमारा वो 12,763 पे हुई थी। फिर अगर फीमेल ओनली पे देखें तो 18,555 पे हुई थी। फिर अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग देखें तो केमिकल इंजीनियरिंग जो था हमारा क्लोज 7,492 पे हो गई थी। तो ऐसे ही जो था अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस जो था हमारे 885 पे जो था हमारा क्लोज हो गई थी जेंडर न्यूट्रल के लिए। तो आप देख सकते हो कि अंडर 1000 के जितने रैंक वाले होते हैं वो सब जो था हमारे इसमें IIT BHU में CS लेते हैं, और क्या बोलते हैं इसका जो 1000 के अंदर जो था हमारा वो बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है इस कंप्यूटर साइंस की ब्रांच। अगर हम जेंडर फीमेल की बात करें तो 1990 पे जो था हमारा बंद हुआ था, मतलब 1990 पे बंद हुआ था, तो फीमेल के लिए तो थोड़ा सा डबल है। तो अगर हम वैसे ही देखें तो और बहुत सारे ब्रांचेस के आपके यहाँ पे कट ऑफ दे रखे हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर जो था हमारा टोटल जो था हमारा फीस स्ट्रक्चर वो 1,33,465 जो था हमारा आपको पर सेमेस्टर जो था हमारा वो लगेगा, जिसमें कि वन टाइम जो था हमारा कॉशन मनी भी होता है, जो कि आपको अगले सेमेस्टर से नहीं देना पड़ेगा। ट्यूशन फी आपके 1 लाख है, और अदर फीस जो था हमारा पर सेमेस्टर 6,350 है। मेस और एडवांस पर सेमेस्टर जो था हमारा, एडवांस मतलब जो था हमारा वो पहले लेते हैं शायद, तो वो 12,000 रुपये जो था हमारा मेस फीस है। तो अगर टोटल देखे जो था वो 1,33,465 रुपीज आपको बनती है, मतलब एक सेमेस्टर में आपके 1,20,000 मान के चले, क्योंकि 9,000 जो था हमारा वो आपको वन टाइम फी भी होते कुछ इसमें। तो अगर 1,30,000 बात करें तो जो हमारा लगभग 12 लाख 11-12 लाख में आपकी पूरी 4 साल की बीटेक हो जाएगी।
अगर हम फी वेवियर की बात करें तो फी वेवियर क्या है कि अगर आप एस सी एस टी स्टूडेंट हो तो आपको ट्यूशन फी जो हमारा पूरा माफ है, जो कि बहुत सारे IIT और NIT में होता है और IIIT में भी होता है, जैसे कि मेरे कॉलेज में है तो उसमें होता है, और दूसरे शायद IIIT में नहीं होता बट मेरे IIIT में होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप एस सी एस टी या BSc स्टूडेंट हो तो आपको जो था हमारा 100% ट्यूशन फी वेवियर मिलती है। और अगर आपके मतलब फैमिली इनकम जो था हमारा 1 लाख से कम है तो आपको जो था हमारा 2/3 जो था हमारा फुल और फुल रिमिनसर ऑफ ट्यूशन फी, मतलब फुल जो था हमारा वो भी आपको मिल सकता है जब आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है। तब 1 लाख से कम है आपकी फैमिली इनकम, आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, बीसी हो, उससे हो, किसी से भी हो, बट अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो आपको पूरी ट्यूशन फी माफ हो सकती है। और जो था हमारा अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 2/3 जो था हमारा वो माफ हो सकती है ट्यूशन फी में। तो ये थी जो था हमारा फी वेवियर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें आती हैं वो है प्लेसमेंट की बातें, इसके बाद हम अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। तो प्लेसमेंट अगर देखें तो प्लेसमेंट जो था हमारा वो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज जो 2020 में गया था वो 58 लाख पर एनम का गया था, और वहीं अगर हम इंटरनेशनल पैकेज की बात करें तो 1.5 करोड़ था, मतलब हाई इंटरनेशनल पैकेज जो था वो आपको पता है 1 करोड़ भी, क्योंकि वहां का जो आपके मतलब जितना ये यहाँ के 58 लाख हो गया लगभग उतना ही के बराबर हो जाते हैं 1.5 करोड़, क्योंकि वहां पे रहना खाना भी जो था हमारा उतना ही महंगा होता है। और एवरेज पैकेज ऑफर्ड जो था हमारा वो पूरे ब्रांच के एवरेज पैकेज देखे तो 16.69 लाख पर एनम था। इतने तो किसी किसी कॉलेज के सीएस के भी पैकेज नहीं होते, तो आपको प्लेसमेंट से कोई चिंता नहीं है, अगर आप मिल रही है IIT में ब्रांच तो आप वहां पे जा सकते हो। और एक चीज जो था हमारे यहाँ पे बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि भैया मेरे को बहुत सारे IIT में जो था ना, जैसे कि मेरे को इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है, जो कि लोअर IIT है, और लोअर IIT है जो लोअर IIT है, न्यू IIT है, और दूसरे जो था हमारा जो अभी IIT भी है जो इसमें सेरेमिक मिल रहा है मेरे को, केमिकल मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ, सेरेमिक केमिकल में जाऊँ या फिर मैं उस ब्रांच में मतलब लोअर IIT में मतलब न्यू IIT में जाऊँ। तो क्या होता है ना कि आपको एक चीज कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं लोअर ब्रांच में चला गया तो मेरी प्लेसमेंट्स नहीं लगेगी अच्छे IIT कंपनी में, जो इतने इतने पैकेज देते हैं वो प्लेसमेंट नहीं लगेगी, बट मैंने जो इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिनकी ब्रांच सेरेमिक है मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपकी ब्रांच भी लोअर है तो भी आप जो था हमारा इस कॉलेज में जा सकते हो, और मतलब IIT में कंपनी में जा सकते हो, बैठ सकते हो, कोई ज्यादा ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत सारी कंपनी अलाउ करती है बैठने की, अगर आप में मतलब अगर कोडिंग अच्छे करते हो आप, या वेब डेवलपमेंट अच्छे करते हो तो आप बैठ सकते हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और अगर आपकी ब्रांच लोअर भी है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्लेसमेंट में, बस हो सकती है कुछ कुछ कंपनी ऐसी होंगी जो बस CS और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को ही अलाउ करती होगी, IIT कंपनी के बच्चों को ही अलाउ करती होगी, लेकिन ज्यादातर जो काम आ रहा है अगर आपको अलाउ करती है अगर तो आपको प्लेसमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मेरे को बताया जो कॉलेज में पढ़ते हैं कि पिछले साल जो ऐसा 3-4 बच्चे को जो सेरेमिक इंजीनियरिंग से थे उनको 3-4 बच्चे को जो था माइक्रोसॉफ्ट में पैकेज लगा था। तो ऐसा नहीं है कि आप जो था हमारा कहीं किसी भी ब्रांच से हो, लेकिन अगर आप अपने पर मेहनत करोगे तो आपको जो था हमारा बहुत अच्छी मतलब प्लेसमेंट लग सकती है। अगर हम एक बात और करें जो कि अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो IIT बीच में जहां तक मेरे को पता चला है कि थोड़ा सा लोड कम होता है एज कम्पेयर टू अदर IITs और हमारे IITs तो कम होता ही है, तो मेरे को जहां तक पता चला IIT बीच में हमारा लोड थोड़ा सा कम होता है, मतलब लोड जो था हमारा आपको उतना नहीं होता है जितना कि और दूसरे IIT में, और थोड़ा सा IIIT में तो होता ही है, तो उतना लोड आपको नहीं रहेगा। तो अगर आपकी ब्रांच लोअर है तो आपको और बहुत सारे फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए टाइम मिल जाता है, आप बहुत सारे फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो उस टाइम को यूज करके। और जो आप अगर अच्छे IIT में जाओगे तो आपको वहां पे माहौल मिलता है ऐसा कि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो आपको वो माहौल भी मिलता है एक्सप्लोर करने का। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मिल रही है लोअर ब्रांच तो आप वहां पे भी जा सकते हो, अगर जब तक कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं हो CS में, या ऐसा कि मेरे को नहीं, मेरे को CS ही जाना है, मैं किसी भी NIT में चला जाऊँ, IIIT में चला जाऊँ, लेकिन मैं CS ही लूंगा, तब अगर ऐसा कुछ नहीं है तब जो आप IIT में जा सकते हो लोअर ब्रांच में भी। एक चीज जो मेरे को पता चली है कि जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है, बट जो बिजनेस साइड से जो प्लेसमेंट होती हैं वो थोड़ी सी कम होती थी, बट जो था हमारा धीरे धीरे जो था हमारा वो इम्प्रूव कर रहा है IIT BHU, और इनके सीनियर्स सब जो है वो बहुत मतलब अपने
मेहनत कर रहे हैं इस पे, इस चीज को सुधारने में, कि इनके बिजनेस साइड भी जो था हमारा वो बहुत अच्छा हो जाए। अगर मतलब जैसा कि कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि उन्होंने बताया कि जो कॉम्पिटिशन्स होती है बिजनेस के से रिलेटेड, मतलब तो उसमें जो था हमारा ITBHU IIM से भी जो था हमारा बहुत आगे होता है, कि गोल्ड आता है IIM से भी ज्यादा, जो था हमारा वो अच्छा रैंकिंग आती है ITBHU की बिजनेस के फील्ड में। तो अगर आपका उस साइड का भी कोई है ऐसा कि मतलब मेरे को बिजनेस साइड में कुछ करना है या ऐसा कुछ, तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि वहां पे भी जो था हमारा आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि ITBHU जो था हमारा उधर भी जाकर मतलब बिजनेस साइड भी अपना बहुत अच्छे से देख रहा है। एक चीज और बात होती है जो कि आप लोग को मन में होगा, ये सीनियर्स कैसे हैं वहाँ के ITBHU के, तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि सीनियर्स बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा ही मतलब। और एक चीज और कि सीनियर्स कैसे, ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हो। अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे, अच्छे से रहोगे, तो वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे ही कि अगर मैं उनसे अच्छे से बात करता हूँ, अगर मैं बात करने वाला हूँ, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मतलब सीनियर से बात नहीं करते हैं, घबराते हैं थोड़ा मोरा, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो आपको नहीं, बट लेकिन अगर आप थोड़े से बात करने वाले हो गए, थोड़े से अच्छे बात करने वाले हो गए, तो आपसे जो था ना सीनियर्स, आप वन टू वन भी बात कर सकते हो सीनियर से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे सीनियर्स। जैसा कि मेरे को पता चला है तो उन्होंने बताया कि सीनियर्स बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल है। और एक बात याद रखना, आप लोग में से बहुत सारे जो था हमारा कॉलेज में आने वाले हो गए, तो कॉलेज में आने से जो था हमारे, मेरे हिसाब से सीनियर्स आप जितना सीखते हो उतना जो था हमारा किसी टीचर से, फॉर्मेलिटी से आप नहीं सीखते हो। तो आपको सीनियर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने हैं, और अच्छे से जो था हमारा उनसे बात करनी है, मतलब अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे बात करके सॉल्व कर सकते हो। तो सीनियर्स जो था हमारा ITBHU के बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अगली मैम पॉइंट की बात करो तो अगला पॉइंट है हमारा फैकल्टी, मतलब वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, प्रोफेसर लोग कैसे हैं वहाँ के ITBHU के। तो मैं प्रोफेसर लोग की बात करूँ तो प्रोफेसर लोग भी जो था हमारा अच्छे हैं, मेरे को जहां तक पता चला कि वो लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैंने उनसे भी बात करी थी तो प्रोफेसर लोग के बारे में, तो उन्होंने बोला कि हाँ अच्छे हैं, बट ये है ना कि उसमें थोड़ा सा लोड कम है ITBHU में। ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि अगर आपका कोई साइड पैशन है, दूसरा कोई पैशन है, तो आप वहां पे आराम से कर सकते हो, कोई ज्यादा लोड नहीं रहता पढ़ाई का। बट जो था हमारा वो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वहां पे भी पढ़ने का बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप है। और आप, ये भी मेरे को पता चला है कि वहां पे जो रिसर्च के जो अपॉर्चुनिटीज है, रिसर्च के जो फैकल्टी है, वो इंडिया के सबसे मतलब जितने भी कॉलेज हैं उसमें सबसे ज्यादा अच्छे जो वहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटी है ITBHU में। तो वहां पे अगर आप रिसर्च वाले हो, जो मतलब आपको रिसर्च में थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे जो हमारा है आपको फैकल्टी प्रोफेसर लोग जो हमारा है वो उस फील्ड में से भी जो हमारा उस फील्ड में भी जो ITBHU बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैंने कोशिश करी सारे पॉइंट कवर करने के, प्लेसमेंट्स, फी वेवियर्स, फीस और अपॉर्चुनिटीज, सीनियर्स, फैकल्टीज और लोकेशंस, रैंकिंग, सब कुछ जो था हमारा बात करिए ITBHU के। तो उम्मीद करता हूँ जितना हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको कौन सी वीडियो, कौन सी ITs या कौन सी कॉलेज पे जो था हमारा को रिव्यू चाहिए, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग में से किसी ने कहा था कि अप्लाई ट्रिपल बनाई है, तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।